गाइज मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे रिलायंस रिटेल की तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसे कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं रिलायंस रिटेल रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइज यहाँ पे रिलायंस रिटेल में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आ चुकी है और आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे रिलायंस रिटेल जैसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए नौकरी के लिए आवेदन करना है। इसके साथ साथ गाइज मैं यहाँ पे आपको पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा, पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा, एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, तभी यहाँ पे आप लोग आवेदन कीजिएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी निकल के आ चुकी है और आप लोग को यहाँ पे अपने निकटतम शहर में ही जॉब मिल जाएगी। हाँ गाइज यहाँ पे आपके अपने रेसिडेंट शहर में ही जॉब मिल जाएगी। और गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग यानी कि यहाँ पे 8वीं 10वीं पास से लेके यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, हर कोई आवेदन कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सैलरी वाली जॉब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल में देख लिया होगा कि रिलायंस रिटेल में बहुत कर्मचारी चाहिए, हाँ गाइज यहाँ पे रिलायंस रिटेल में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वर्दियां निकल के आ चुकी है। काम यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होगा, 8 घंटे का ड्यूटी ओवर रहेगा। महिला पुरुष मेल फीमेल सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, महिला पुरुष सभी के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं 25,000, गाइज ये बस एक अनुमानिक और एक्सपेक्टेड सैलरी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कम पढ़े लिखे लोग यानी कि 8वीं 10वीं पास को यहाँ पे जो है 8,000 10,000 12,000 सैलरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 12वीं पास जैसे कि यहाँ पे CSA या फिर कैशियर के लिए यहाँ पे आप लोगों को 15,000 16,000 वाली जॉब देखने को मिल सकती है और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 25,000 30,000 35,000 40,000 वाली जॉब यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया सैलरी वाली जॉब देखने को मिल जाएगी, आपको अपने शहर में ही काम मिल जाएगी। हाँ गाइज यहाँ पे आपको अपने शहर में कैसे काम प्राप्त करना है, हर एक चीज में यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के आपके लिए ऐसी वाली जॉब वैकेंसीज की अपडेट्स लेके आते हैं जिससे आपका बेरोजगारी दूर हो पाए। सो दोस्तों हमारी छोटी सी मेहनत छोटी सी कोशिश के लिए आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ वाले नोटिफिकेशन बेल में ऑल बटन को प्रेस कर देना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए और अपनी जॉब पाने की संभावना बढ़ाने के लिए। सो चलिए गाइज यहाँ पे अभी ज्यादा देर न करते हुए पहले हम लोग देख लेंगे जॉब की पूरा डिटेल्स, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आवेदन करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। हाँ गाइज मैं यहाँ पे आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। सो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं रिलायंस रिटेल रिक्रूटमेंट 2022। हाँ गाइज यहाँ पे रिलायंस रिटेल में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, बहुत सारी भर्तियां निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आ चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर मल्टीपल न्यू पोस्ट। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, तो गाइज शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं रिलायंस रिटेल रिक्रूटमेंट 2022 डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ गाइज यहाँ पे अभी हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन मोड क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकल के आ चुकी है, कौन सी लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट अलग अलग लोकेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो गाइज हर एक चीज यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। इससे पहले गाइज आप लोगों से एक शिकायत था, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख के आधी अधूरी जानकारी लेकर आवेदन करते, इसी वजह से आपका जॉब नहीं लग पाता है। सो दोस्तों आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा, यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी लेकर आप लोग आवेदन मत कीजिएगा। क्योंकि गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे अभी हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे कैंडिडेट्स की तुलना में वैकेंसियां कम आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो तरीका दिखाने वाला हूँ, अगर आप लोग उसी तरीके से आवेदन करते उसी तरीके से फॉर्म फिलअप करते तभी आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं कैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता हूँ, उसी तरीके से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोग पहले हर एक चीज को बारीकी से जान लीजिए, इसके बाद ही यहाँ पे आवेदन कीजिए। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो रिलायंस रिटेल में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। एप्लीकेशन मोड की बात कर ले तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, नो फीस रिक्वायर्ड। हाँ गाइज यहाँ पे आप लोगों को कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में 100% फ्री में यहाँ पे आवेदन करना है। गाइज यहाँ पे आप लोग को आवेदन करने के लिए या फिर जॉब पाने के लिए कभी भी किसी को एक पैसा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जॉब के लिए आपके लिए जितनी भी जॉब वैकेंसीज की अपडेट्स लेके आते हैं हर एक वैकेंसी में आप लोगों को बिल्कुल फ्री और निःशुल्क में ही आवेदन करना होता है। यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते
दे क्या क्या पोस्ट कौन से लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे ऑनरोल में पोस्ट निकल के आ चुकी है, कोयम्बतूर लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। असिस्टेंट कौनसल ऑफिसर की वैकेंसी है, ACO की वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए निकल के आ चुकी है। गाइस अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज अलग अलग लोकेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। CSA की वैकेंसी है, यहाँ पे कलिकट के लिए निकल के आ चुकी है। जूनियर CSA फूड की वैकेंसी है, हसन के लिए निकल के आ चुकी है। जूनियर CSA कमर्शियल की वैकेंसी है, हसूर के लिए ये निकल के आ चुकी है। जूनियर CSA फूड की वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए निकल के आ चुकी है। CSA की और एक वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं मदुरई के लिए ये निकल के आ चुकी है। SHMG की वैकेंसी है, यहाँ पे शिमोगा के लिए ये निकल के आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइस ये सब वैकेंसीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट, यानी कि आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य, किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल महिला पुरुष सभी यहाँ पे रिलायंस रिटेल में बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स यानी कि अगर आप लोगों ने पहले काम नहीं किया है तभी भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप लोगों ने पहले काम किया है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं पे स्केल, तो पे स्केल की बात कर ले तो रिलायंस रिटेल में यहाँ पे आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पोस्ट बहुत ही बढ़िया बढ़िया पे स्केल देखने को मिल जाएगी। न्यूनतम यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था 9,000 से लेके यहाँ पे 60,000 तक अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को जो है पे स्केल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10वीं 12वीं पास, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। हाँ गाइस यहाँ पे 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज अवेलेबल है। एज लिमिट की बात कर ले तो कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स। हाँ गाइस यहाँ पे न्यूनतम जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ष की आयु तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो फ्री फॉर एवरीवन। हाँ गाइस यहाँ पे हर किसी के लिए फ्री रखा गया है। जनरल SC ST PWD PH ओमेन कैंडिडेट हर किसी के लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है। ऑल अदर कैंडिडेट यहाँ पे फ्री रखा गया है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एजुकेशन मार्क्सिट सर्टिफिकेट चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई इन रिलायंस रिटेल। हाँ गाइस यहाँ पे रिलायंस रिटेल में आवेदन कैसे करना है इसको जानने के लिए आप लोगों को अभी से इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स है। हर एक स्टेप को यहाँ पे आप लोगों को फॉलो करना होगा, बारीकी से समझना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आवेदन कर पाएंगे। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आवेदन कर दे तभी आप लोग यहाँ पे जॉब पाने की चांसेस जो है बढ़ जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे गूगल में आ जाना होगा अपने मोबाइल फोन में या फिर पीसी में कोई भी एक बढ़िया सा वेब ब्राउजर को ओपन करके। मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर ही सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे गूगल में आके आप लोगों को कुछ टाइप करना होगा। यहाँ पे आके गाइस आप लोगों को टाइप करना होगा JOB JOB VALLEY। आप लोग बस इतना टाइप कर दीजिएगा। गाइस यहाँ पे आप लोग बस जॉब वैली लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेलिंग को JOB JOB VALLEY, बस इतना लिख के यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। सो गाइस जैसे ही आप लोग जॉब वैली लिख के सर्च कर देंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं www.jobvalley.online, सिर्फ यही वाला जो यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे आप लोग के सामने शो करेगी, या फिर आप लोग यहाँ पे www.jobvalley.online यहाँ पे डायरेक्टली भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे www.jobvalley.online पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे JobVALLEY.online के ऑफिशियल पेज में पहुंच जाएंगे। तो गाइस अभी आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं कि हमें JobVALLEY.online के पेज में ही क्यों आना है। तो गाइस आपके जानकारी के लिए बता दें कि JobVALLEY.online पे आप लोगों को हर एक जॉब की डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे July 2020 वाला जॉब रिलायंस रिटेल रिक्रूटमेंट 2022 सबसे ऊपर में शो करेगी। तो गाइस डायरेक्टली आप लोगों को इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फिर कुछ दिन बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में आना है और यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग में आके लिखना होगा रिलायंस रिटेल रिक्रूटमेंट 2022 लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है ढूंढना होगा July 2020 वाला जॉब। अगर इस यहाँ पे डेट को आप लोगों को ढूंढना होगा, इसी यही वाला सबसे लेटेस्ट है, इसी में ही आप लोगों को क्लिक करना है, तभी आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसमें क्लिक कर देंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे इस जॉब का पूरा जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोगों को पहले हर एक चीज़ को पढ़ लेना है, इसके बाद ऐसा नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, जैसे कि अप्लाई लिंक, अदर वैकेंसी डिटेल्स लिंक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई लिंक क्लिक किया क्लिक कर देंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रिलायंस की तरफ से जितनी भी जॉब वैकेंसीज होगी हर एक जॉब वैकेंसीज यहाँ पे शो करेगी। अगर इस यहाँ पे नीचे आप लोग देख ही पाएंगे, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं हर एक वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों के सामने शो करेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को डेस्कटॉप साइड करके दिखा देता हूँ। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हर एक वैकेंसी शो कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है हर एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैं किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को हर एक जॉब को देखना होगा, इसके बाद ही यहाँ पे आवेदन करना है। जैसे मुझे ये वाला जॉब चाहिए या फिर मुझे ये वाला जॉब चाहिए, CSA वाला जॉब चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक कर दूंगा इस जॉब का पूरा जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख ही पा रहे पूरा जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ
मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट मांगा गया है, 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग फ्रेशर से आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास या फिर 12वीं पास मांगा गया है। तो मेरा यहाँ पे योग्यता मैच हो गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई नाउ में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू यूज़र में क्लिक कर देना है। तो गाइज़ अभी मैं आपको पूरा जो है फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को वादा किया था। तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले लेगा। तो गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, अपना यूजर आईडी बना लेना है, ईमेल आईडी लिखना है, पासवर्ड को लिखना है, पासवर्ड को फिर से लिखना है, इतना हो गया। इसके बाद नीचे चले आना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना सिटी का नाम, स्टेट का नाम, यह सब लिख दीजिए। लास्ट नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, अपना जेंडर यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कीजिए, आप लोग मेल है फीमेल है, आप लोग यह सिलेक्ट कीजिए। आप लोग का नेशनलिटी इंडियन है तो आप लोग को यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करना होगा। अपना मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर, यह सब लिखना है। यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स डाल देना है, आप लोग 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप लोग जैसे कि इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग नो भी कर सकते हैं या फिर येस भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बस नीचे चले आना है। इसके बाद आधा डिटेल्स में आप लोगों को एक जो है रिज्यूमी या फिर सीवी यहाँ पे सबमिट करना है। तो गाइस यहाँ पे रिज्यूमी या फिर सीवी जो है 2 MB से नीचे होना चाहिए फाइल। तो आपके पास अगर सीवी या फिर रिज्यूमी नहीं है, ऐसे बनाना है मोबाइल फोन से प्रोफेशनल सीवी या फिर रिज्यूमी, अगर उसका फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे लिए सीवी या फिर रिज्यूमी वाले वीडियो लेके आइए, मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक कर देंगे आप लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसे वादा किया था, मैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर फिर भी यहाँ पे आप लोग के आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो चले गाइस मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए बहुत ही बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा जरूर।